आंकड़ों के बाजीगर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर डीएम आधार मतों के जरिए विधानसभा चुनाव 2025 की वैतरणी पार करेंगे। वैसे तो अपनी चुनावी पार्टी की घोषणा वे 2 अक्टूबर 2024 को करने जा रहे हैं, पर रविवार ही उन्होंने इशारों में अपने चुनावी समीकरण के मजबूत आंकड़ों को दर्शा गए। अब उन्हें अपने समीकरण का क्या और कितना लाभ मिलता है ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनावी बिसात पर अपने आधार मतों की चाल जरूर चल दी है। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आंकड़ों के जादूगर कहे जाने वाले पीके ने डीएम के आधार मतों पर चुनावी बाजी खेल दी है। यहां डी का मतलब दलित और एम का मतलब मुस्लिम। वर्तमान जातीय गणना के अनुसार दलित के 19.65% और मुस्लिम के 17.17% यानी कुल मत का प्रतिशत 36.82% आधार मतों के साथ अन्य मतों की उम्मीदवारी देकर अपनी मंशा प्रकट कर दी है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ दलित मतों की घेराबंदी कर रही है। लोजपा के चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी को तरजीह देकर अपनी चुनावी रोटी सेक रही है। पीके ने भी इस वोट को प्रभावित करने की रणनीति पर काम करते हुए पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित जाति से देने की घोषणा कर दलित नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। वैसे भी दलित वर्ग में नए नेतृत्व को लेकर अभी रस्साकसी चल रही है। राम विलास पासवान के निधन के बाद दलित नेतृत्व में एक गैप है। इस गैप को भरने के लिए पीके के द्वारा चली जाने वाली पहली सियासत चाल है। जातीय गणना के बाद मुसलमानों की बढ़ी संख्या भी प्रशांत किशोर के निशाने पर है। प्रशांत किशोर ने पहले तो इस तथ्य को उजागर किया कि मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है, इसलिए डर कर वोट करते हैं। मुस्लिमों के बीच नेतृत्व को उभारने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव 2025 में 75 मुस्लिमों को टिकट देकर इस गैप को भरेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर के इस घोषणा के बाद ये प्रतिक्रिया राजद की तरफ से भी आई कि जन सुराज कुछ नहीं, भाजपा की बी टीम है। प्रशांत किशोर के द्वारा जाति की जनसंख्या के आधार पर टिकट दिया जाना भी जातीय जकड़न चुनाव से बिहार को मुक्त कराने नहीं जा रही है। लेकिन पीके का डीएम समीकरण के साथ चुनावी वैतरणी ने सभी दलों की परेशानी बढ़ा दी है। 75 मुस्लिमों के टिकट दिए जाने की घोषणा भर से जहां राजद और AIMIM की परेशानी बढ़ा दी है, तो पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित से बनाने की घोषणा कर समस्त NDA दलों की चिंता बढ़ा दी है। फिर भी विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की नीतियों का आईना होगा और संभव है पुराने आवरण में राजनीति की कोई नई धारा दिखाई पड़े।